श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार भगवत गीता में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वो मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 71 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें हम 1 से शुरू करके 71 पर समाप्त करेंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 71 महत्वपूर्ण विचारों को। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दूसरा, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। इसलिए मृत्यु का भय करना व्यर्थ है। जन्म मृत्यु प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। तीसरा, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है
तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों शत्रुओं में, शुभ चिंतकों, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। चौथा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। कर्म पर ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। अर्थात अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करो। जो लोग इस प्रकार से कर्म करते हैं वह कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी की स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और वह परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। पांचवा, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। छठा, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। सातवां, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जो मनुष्य किसी भी विषय में संशययुक्त रहता है, वह उस काम को कभी भी अच्छे से नहीं कर सकता और उस काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए एक ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा संदेह करने से बचे। आठवां, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। नौवां, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। दसवां, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं,
एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चले। गलत कर्म करके कभी भी ये ना सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा है। आपकी अंतरात्मा और ऊपर वाला परमात्मा आपके हर एक कर्मों पर नजर रख रहा है। 11वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण ऐसे मूर्ख मनुष्य के बारे में कहते हैं कि ऐसा मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वह सभी मनुष्य जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में मोहग्रस्त होकर, मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर, निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। 12वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मोह से ग्रस्त हुआ मनुष्य ना तो सफलता पा सकता है और ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वैसा मूर्ख मनुष्य सांसारिक भोग को ही अपना सब कुछ समझता है। इसलिए वैसा मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी गीदड़ बना देता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था, लेकिन अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाकर अर्जुन के मोह को दूर किया था। जीवन में किसी से हद से ज्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। अगर कोई अपने मोह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है, वो अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए भगवत गीता ये ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य के राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। 13, पछतावा, अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। 14, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। 15, जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। 16, जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। 17, जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। 18, बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। 19, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। 20, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। 21, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ।
22 जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। 23 जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। 24 किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। 25 घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। 26 किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। 27 गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। 28 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 29 जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 30 जो भाग्य में है वो भागकर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। 31 जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। 32 जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। 33 ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। 34 समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। 35 कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान है। 36 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। 37 जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 38 किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। 39 एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। 40 कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। 41 जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। 42 सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। 43 जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। 44 अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। 45 जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। 46 तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। 47 जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। 48 न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। 49 जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, तुम बस वर्तमान का आनंद उठाओ। 50 तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था
जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, न कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। 51 परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। 52 अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। 53 अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। 54 चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। 55 कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। 56 जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। 57 जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। 58 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। 59 जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। 60 बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 61 जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। 62 संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहें। 63 इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। 64 इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता, इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। 65 मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। 66 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग
वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। 67. यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। 68. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 69. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, वे मेरी माया में नहीं फंसते। 70. चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। 71. हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।